दिखाई दे रहे हैं। 2024 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख लो आप, लिख ले, लेकिन राह तो साफ कर रहे हैं। बिल्कुल, राह साफ करने में लगे रहो, जो भी कुछ है इनकी पूरी राह साफ हो जाएगी। 2000 मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इतना मैं गारंटी से कहता हूं। तारीख में सबसे कम उनकी लोकप्रियता है, 5% लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते हैं, भक्तों को छोड़ दे तो। करोड़ों रुपए एक दिन में अपने लिए खर्च करता हो, प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखाने के लिए विज्ञापन में एक दिन में खर्च किए जाते हैं, उसे महंगाई कहां से नजर आएगी? उसे तो सब कुछ हरा ही हरा बढ़िया ही नजर आवेगा ना। 24 में भी राह आसान हो जाएगी इसी तरह? 24 में देखेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे 24 में। 24 में उखाड़ के फेंकने की बात? बिल्कुल। देश में 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं, वहां मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हो, तो आप उन पर बात क्यों नहीं करते हो? आज से रोजगार आंदोलन भी हो रहा है दिल्ली में। मतलब नहीं है, लाल किला से कहा है प्रधानमंत्री, झूठ बोल रहे हैं ना लाल किला से, कोई आज ही नया झूठ बोला प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने हर बार लाल किले से झूठ बोला। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। हमारे साथ है एडवोकेट भानु प्रताप सर, उनसे जानेंगे कि कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के भाषण को। एक तरफ उनके पुराने भाषण जो वायरल हो रहे हैं, जो वादे जो सपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाए थे वो वायरल हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी से सवाल किए जा रहे हैं कि 2022 चल रहा है, कहाँ है आपका पक्का घर, कहाँ है आपके नल और नल में जल, कहाँ गया वो जो सांसदों से कहा गया था कि हर एक गांव को गोद लेना है। ये तमाम चीजें गूंज रही हैं, और एक तरफ 25 साल बाद सर हम विकसित देश कहलाएंगे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं संकल्प लीजिए। प्रधानमंत्री की बात और बराबर है, कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की आदत है, लगातार झूठ बोलते हैं, और ऐसी कल भी झूठ बोला है, खोखला भाषण है और कुछ है नहीं, सच्चाई से बहुत दूर है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, कथनी और करनी में देखिए, कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, और रिपोर्ट आती है कि 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में रोजगार मांगा, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो कथनी और करनी में अंतर नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, कितने स्मार्ट सिटी बने आपको पता है? क्या इंडिया डिजिटल इंडिया बन गया? नहीं। किसानों की आय दुगनी हो गई? नहीं। हर किसी को 2022 में पक्का घर मिल गया? नहीं। और ये सब तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री ने भाषण दे रहे थे तो जो एक बड़ी घटना घटी है, जो जातिवाद पर आधारित बहुत ही भयानक घटना है, उसके विषय में कुछ भी नहीं बोला। सो प्रधानमंत्री की बात का कोई मतलब नहीं। सर परिवारवाद को लेकर वो लगातार हमलावर रहते हैं, चाहे परिवारवाद हटाएं, वो उसके बाद की बात करें, वो दूसरे के परिवारवाद की। आदमी पहले अपने आप को साफ करे, उसके बाद किसी के विषय में कहे। बीजेपी में भी अंधाधुंध परिवारवाद है, 106 एमएलए और एमपी जो हैं उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री तक रहे हैं, पहले उस परिवारवाद को हटाओ। पहले भी कहा गया सबका साथ सबका विकास है, मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं, एक राष्ट्र होगा, एक मन होगा, एक होगी, तो अमदीद से और देख रहे राजस्थान के अंदर जो घटित घटना इस वक्त। ये जो कही जा रही है सारी की सारी कोशिश, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करके केवल राजतंत्र स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, एक देश और एक चुनाव की जो बात हो रही है, वो केवल मोदी अपना चुनाव चाहता है, और वो भी चाहता नहीं, वो भी घोषणा है उसकी कि भैया जिस दिन राजतंत्र हो जाएगा मैं घोषित हो जाऊंगा राज्य जीवन भर के लिए, बात खत्म। मोदी जी कह रहे हैं एकता और एकजुट का संकल्प लेना होगा हम सबको। जो व्यक्ति देश की एकता को लगातार तोड़ने में लगा है, सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करने में लगा, वो एकता की बात कर रहा है, उसकी एकता का कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है, लाल किला से कहा है प्रधानमंत्री, झूठ बोल रहे हैं ना लाल किला से, कोई आज ही नया झूठ बोला प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने हर बार लाल किले से झूठ बोला, सो आज को नहीं बात है, पिछले 8 बार के उसमें भी झूठ बोला और कल भी झूठ बोला है, झूठ बोले में माहिर है वो। महिलाओं की बात भी उन्होंने कही, महिलाओं की बात कहने से पहले जो वो महिलाओं के विषय में जो 33% आरक्षण का बिल पड़ा है उसे पास करके और महिलाओं की बात कहते, तो समझ में आता कि हम महिलाओं की समृद्धि की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए कहता हो दीदी ओ दीदी ये कमेंट करता हो, जो कहता हो कि वो कांग्रेस की कौन सी वो विधवा है जिसको पेंशन आती है, जैसे मोदी जी की जीभ से पेंशन जा रही है, सो जो व्यक्ति महिलाओं के विषय में ऐसी सोच रखता हो वो व्यक्ति महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, और अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात है तो तुम्हारे उसमें जितने भी
जो महिलाओं के प्रति गंदी नजर रखते हैं, पहले उन्हें निकाल के पार्टी से बाहर करो ना, उन्हें भेजो जेल में, तब पता लगेगी कितना सम्मान है। सो इसलिए मैंने कहा ना, मोदी की करनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। प्रधानमंत्री और 2024 की राह भी साफ करते दिखाई दे रहे हैं। 2024 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख लो आप, लिख ले, लेकिन राह तो साफ कर रहे हैं। बिल्कुल, राह साफ करने में लगे रहो, जो भी कुछ है इनकी पूरी राह साफ हो जाएगी। 2000 मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और अभी हाल ही में सर्वे की तारीख में सबसे कम उनकी लोकप्रियता है, 5% लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते हैं, भक्तों को छोड़ दे तो। भक्तों को छोड़ दे से, लेकिन हम अगर यूपी की बात कर ले तो यूपी में फिर से 2022 में वो तो बेईमानी से बनी है सरकार, यूपी की सरकार बेईमानी से बनी है, सब जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ईवीएम में घोटाला किया गया और आईएएस आईपीएस यानी कलेक्टर एसपी के माध्यम से गुंडागर्दी करके बनाई गई सरकार। 24 में भी राह आसान हो जाएगी इसी तरह? 24 में देखेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे 24 में। 24 में उखाड़ के फेंकने की बात? बिल्कुल, किन नीतियों के साथ उखाड़ेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नीतियां हमारी हैं, जनता के कल्याण के लिए जो नीतियां हैं, हम जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर, हम बात करें प्रधानमंत्री ने करी नहीं करी? देश में 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं, वहां मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हो, तो आप उन पर बात क्यों नहीं करते हो? आज से रोजगार आंदोलन भी हो रहा है दिल्ली में 7 दिन के लिए, तो रोजगार पर बात नहीं कर रहे, महंगाई पर बात नहीं कर रहे, शिक्षा पर बात नहीं कर रहे, किसानों की बात नहीं कर रहे, मजदूरों की बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं कर रहे, वन रैक वन पेंशन की बात नहीं कर रहे, पुरानी पेंशन की बात नहीं कर रहे, तो बात क्या करें? हम इन सब मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं लगातार। भ्रष्टाचार की बात करें, अगर भ्रष्टाचार को खत्म, उस दिन आप समझना प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करें जिस दिन पीएम केयर फंड में कितना पैसा कहां से आया, कितना पैसा खर्च हुआ और वो पैसा किस किसने दिया प्रधानमंत्री को, और उसके एवज में प्रधानमंत्री ने उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी, ये बताएं। दूसरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा किस किस उद्योगपति ने दिया, कितना दिया, और उन उद्योगपतियों को मोदी जी ने क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई, कितना उनको रिलीफ दिया, कितना उनको टैक्स में छूट दी, कितना उनका कर्जा माफ किया, ये बताएं, तब पता लगेगा कि भ्रष्टाचार जो प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के नाम से अपने आप में ही सबसे भ्रष्ट देश का साबित हो रहा है, वो भ्रष्टाचार हटाने की बात करेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2024 में हम फिर आ रहे हैं और फिर से भ्रम। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लोगों को कहने की क्या। अगर हम पुराने भाषणों को निकालें और जो कल हाल ही में भाषण दिया, कैसे देख रहे हैं कितनी सच्चाई अभी तक जो पूरा कुछ नहीं, खोखला, जैसे पहले खोखले भाषण ऐसे ही अभी खोखला, कोई सच्चाई नहीं, कोई भी सच्चाई, कोई सच्चाई नहीं, तो सबका साथ सबका, क्योंकि मुझे नजर नहीं आई और मुझे क्या, बहुत लोगों को नजर नहीं आई सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई से दूर है, खोखले भाषण है। अच्छा सर, हम बेरोजगारी की बात कर ले तो महंगाई, जैसे कि प्रधानमंत्री ने तो बात नहीं की, लेकिन महंगाई है भी तो नहीं उनके हिसाब से? उनके हिसाब से नहीं है ना, जो प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए एक दिन में अपने लिए खर्च करता हो, केवल प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखाने के लिए विज्ञापन में एक दिन में खर्च किए जाते हैं, उसे महंगाई कहाँ से नजर आएगी? उसे तो सब कुछ हरा ही हरा बढ़िया ही नजर आवेगा ना। महंगाई तो उनसे पूछो जो लोग जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, छत पर सर पे छत नहीं है, उनसे पूछो जो 100 करोड़ लोग कैसे कैसे 2 वक्त की रोटी कमा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, 30 करोड़ लोगों को तो रोटी मिली ही नहीं रही इस देश में दोनों वक्त की, आप उनसे बात करो, प्रधानमंत्री को कहाँ महंगाई दिखाई दे। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें अगर नंबर वन देश बनाना है तो फ्री शिक्षा देनी होगी, फ्री स्वास्थ्य देना। नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर केजरीवाल भी तो उसकी बीजेपी की टीम है, आरएसएस के आदमी, वो भी उन्हीं के आदमी, आरएसएस का आदमी। किस बेस पर आप ऐसे कह? बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं, आपने देखा अन्ना आंदोलन जो यहीं पे चला था, अन्ना क्या है, अन्ना उसकी आरएसएस के आदमी है, उसी आंदोलन से निकला हुआ है, इस आंदोलन के 4-5 लोग कहाँ हैं, कहाँ है किरण बेदी गवर्नर बनी, कहाँ है जो जनरल विपिन रावत, वो कौन है, क्या था उसका, वीके सिंह, कहाँ है, मंत्री है केंद्र में, और केजरीवाल कहाँ है, मुख्यमंत्री है, और बाकायदा आरएसएस के माध्यम से, और रामदेव कहाँ है, ये सारे के सारे लोग बाकायदा स्थापित किए जा रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि परिवारवाद और दोस्तवाद बहुत चल रहा, भारतवाद होगा। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, कुछ भी कह सकते हैं। आप भी तो रोजगार को लेकर प्रदर्शन करने वाले? हाँ बिल्कुल, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। सर एक और चीज हम जान लेते हैं, 2024 पे सभी की निगाहें और बिहार के अंदर खेला हो गया,
कैसे देख रहे हैं अभी, क्योंकि हमने पहले भी आपकी बात सुनी, आप लगातार कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी जाने वाली है, लेकिन वही सर्वे की बात करें तो बीजेपी फिर से सत्ता में आने वाली है। बीजेपी के सर्वे की बात क्या है, वो तो उन्हीं का सर्वे है, जैसे चाहो करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं का सर्वे है, उन्हीं के मीडिया है, जो चाहो उन्हीं की एजेंसियां हैं, जैसे चाहो करा लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ भानु प्रताप थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक 8 साल में प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण थे वो सब जुमलेबाजी थी।